brought to you by American Pistachios. नमस्कार, मैं हूं AI एंकर सना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 8 मार्च को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। हरमनप्रीत ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है और उनका नाम मौजूदा समय की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में शामिल होता है। 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ऐसे में हरमनप्रीत के लिए यह दिन और भी खास है। हरमनप्रीत कौर का नाम जहन में आते ही 2017 के महिला वनडे वर्ल्ड कप की याद आ जाती है। उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हरमन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 गेंदों में नाबाद 171 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस धमाकेदार पारी में उन्होंने 20 चौके और 7 छक्के जड़े थे। हरमनप्रीत की इस पारी ने महिला क्रिकेट को एक नई दिशा दी थी। एक साल बाद हरमन ने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंदों पर शतक जड़ दिया था। अपनी कप्तानी पारी में उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके जड़े थे। हरमनप्रीत कौर का जन्म 8 मार्च 1989 को पंजाब के मोगा में हुआ था। हरमन भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को अपना आदर्श मानती हैं, जो उनकी बैटिंग में भी साफ नजर आता है। वो दाएं हाथ की आक्रामक बल्लेबाज होने के साथ ही उपयोगी गेंदबाज भी हैं। हरमन ने अपने 20वें जन्मदिन से एक दिन पहले अपना वनडे डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ किया था। फिर T20 वर्ल्ड कप 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया। साल 2016 में हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान बनी। हालांकि उन्हें मिताली राज की गैर मौजूदगी में 2012 में ही कप्तानी का मौका मिल गया था। फिर मिताली के रिटायरमेंट के बाद वो टेस्ट और वनडे में भी भारतीय महिला टीम की कमान संभाल रही है। हरमन किसी विदेशी T20 लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। जून 2016 में सिडनी थंडर्स ने हरमन को बिग बैश के लिए साइन किया था। हरमनप्रीत कौर ने अब तक 5 टेस्ट, 130 वनडे और 161 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। टेस्ट मैचों में हरमन ने 18.71 की औसत से 131 रन बनाने के अलावा 11 विकेट चटकाए हैं। वहीं वनडे मैचों में उनके नाम पर 36.66 के एवरेज से 3410 रन दर्ज हैं। ओडीआई में हरमन ने 5 शतक और 18 अर्धशतक जड़े हैं। उन्होंने ओडीआई में 31 विकेट भी लिए हैं। T20 इंटरनेशनल में हरमन ने 27.62 की औसत से 3204 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 11 अर्धशतक शामिल रहे। हरमनप्रीत ने T20 इंटरनेशनल में 32 विकेट भी झटके हैं। देखा जाए तो हरमनप्रीत कौर ने 106 T20 इंटरनेशनल में भारत की कप्तानी की है। इस दौरान भारत को 59 मैचों में जीत और 42 में हार मिली, जबकि एक मुकाबला टाई रहा, साथ ही 4 मैच बेनतीजा रहे। बतौर T20 कप्तान हरमन का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी बेहतर है। रोहित धोनी की कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम ने 41 T20 मैच जीते हैं। वहीं कोहली की कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम ने 30 T20 मैचों में जीत हासिल की है। हरमनप्रीत कौर ने 17 वनडे और 2 टेस्ट मैचों में भारतीय महिला टीम की कप्तानी की है। हरमन ने 161 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की तुलना में काफी ज्यादा है। बता दें कि रोहित ने 151 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, वहीं विराट के नाम पर अब तक 117 T20 इंटरनेशनल मैच दर्ज हैं। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।